स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है और मैक्सिमम यहाँ पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपका केबीएस के प्री बोर्ड के क्वेश्चन से लिया है मैंने। तो इसका स्टेटमेंट है, ए मैन हैज़ एन एक्सपेंसिव स्क्वायर से पीस ऑफ गोल्डन बोर्ड ऑफ साइज 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इन टू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग स्क्वायर ऑफ साइड एक्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग द फ्लैप्स टू दी फॉर्म ए बॉक्स। ठीक है, आपको डायग्राम में बता रखा है कि ये 20 आपके पास ये टोटल 24x24 का एक स्क्वायर पीस था, जिसके चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काट के इन्होंने देखो बता भी रखा है कि इसको एक्सलेट किया है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स हो गया, तो अब उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट इन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसको फिर ऐसे फोल्ड कर दिया चारों तरफ से, तो आपका ऐसा बॉक्स बन गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 माइनस का एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसकी ब्रेथ भी कितनी होगी, 24 माइनस का 2x, मतलब 2x होगा, मैंने x बोल दिया। और इसकी हाइट कितनी होगी, x होगी। ठीक है, तो उसके आगे फिर इसने क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओपन टॉप बॉक्स, और उसके बाद फिर इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x तो लेट वेट करने की जरूरत नहीं, इसे सीधा बोला हुआ है कि x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस कटिंग फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो इसका जो लेंथ होगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जो लेंथ बन रहा है वो बन रहा है आपका 24 माइनस का 2x, जो ब्रेथ है वो भी बन रहा है 24 माइनस 2x, जो हाइट है वो हमारी बन रही है इसकी x। तो जो वॉल्यूम होगा वो होता है l इंटू बी इंटू एच, हो जाएगा 24 माइनस 2x और 24 माइनस 2x इंटू में x। ठीक है जी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया 24 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में x। ठीक है जी, इसकी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, आपको ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला था कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स फॉर बाय फोल्डिंग अप द फ्लैप, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। सेकंड में इसने बोला, इन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इफ dy बाय dx, मतलब ये वॉल्यूम y भी लिखना चाहिए इसको, चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन देखना है एज x इंक्रीज थ्रू c1, देन विच वैल्यू ऑफ अटेंड बाय द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c1। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे c1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो c1 का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dv बाय dx निकालेंगे। तो इसमें इसमें प्रोडक्ट तो लगेगा, तो 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसा ही x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस x को छोड़ दिया, अब होगा 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर का। तो उसका पावर का होगा 2 इंटू में 24 माइनस का 2x की पावर 1 और 24 माइनस 2x का होगा 0 माइनस का 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम 24 माइनस का 2x ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 24 माइनस का 2x और माइनस का 2 इंटू में 2, यहाँ पे आ गया 4x। ठीक है जी, ये हो गया 24 माइनस 2x और यहाँ पे आएगा 24 माइनस 6x, ये आ गया dv बाई dx। ठीक है जी, अब हम इसको पुट करेंगे, dv बाई dx को इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, x आ गया 12 और x आ गया हमारा यहाँ से 4। ठीक है जी, अब इसने बोला है कि x की वो वैल्यू बताओ जिस पे हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो इसको हम लोग एक नंबर लाइन पे बनाते हैं, एक हो गया x इज इक्वल टू 4 और एक हो गया 12। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 से छोटी कोई भी वैल्यू जैसे 3 या फिर 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 0 पुट करेंगे क्योंकि x हमारा डिस्टेंस है, लेंथ है, तो पॉजिटिव रहेगा, तो 0 से शुरू कर लेते हैं और ये इन्फिनिटी मान लो, तो ये भी इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, पता है कि ये होगा 24 क्योंकि जो स्क्वायर का मैक्सिमम लेंथ है वो तो 24 है, 24 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी कभी। ठीक है, तो हो गया 24। चलो, तो यहाँ पे देखो 4 से छोटी वैल्यू कोई भी सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने 0 लिया, तो अगर मैंने 0 यहाँ पुट कर दिया तो 24 माइनस का 0 और 24 माइनस का 0, 24 इंटू 24 प्लस आ रहा है तो आ गया पॉजिटिव। मैं 4 और 12 के बीच में कोई वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो 24 माइनस का 10 पुट करूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20, और 24 माइनस का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और 24 माइनस का अगर मैं यहाँ 10 पुट करूँगा तो आ जाएगा नेगेटिव, प्लस इंटू में माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये आ रहा है माइनस। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर आप 12 से बड़ी वैल्यू कोई भी जैसे 24 के बीच में 20 पुट करते हैं, 20 आप पुट करोगे तो ये भी आएगा नेगेटिव, ये भी आएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, आपको प्रॉपर पुट करके देखनी, बस एक आइडिया लेना है। तो देखो यहाँ पे प्लस से माइनस तो हो रहा है किस पे, 4 पे,
ठीक है, तो जो सी वन की वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई इसके हिसाब से, क्योंकि इसने बोला था कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू सी वन पे आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है एट सी पे, तो एफ एक्स मतलब v, तो v की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो आएगा 24 माइनस का 2 टाइम्स 4 का होल स्क्वायर इंटू में 4, ठीक है जी। ये हो जाएगा 24 माइनस का इट इज 16 का स्क्वायर इंटू में 4, ये हो जाएगा 256 इंटू में 4, ठीक है जी। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 1024 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला है थर्ड में, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द बोर्ड टू बी होल्ड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम करने के लिए तो आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो मेरा सिंगल डेरिवेटिव ये रहा, इस काम करेंगे डबल डेरिवेटिव, तो आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 24 माइनस 2x को ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे आएगा 24 का 0 माइनस 6x का 1 प्लस का 24 माइनस का 6x को हमने ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे आएगा 24 का 0 माइनस का 2, ठीक है जी। ये आ गया। अब मैं चेक करता हूँ कि 4 पे मैक्सिमम है या फिर 12 पे, मतलब चेक हमें दोनों पे करना चाहिए। एट x इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 24 माइनस का 2 इंटू में 4 इंटू में माइनस 6, और 4 यहाँ पुट करने पे हो जाएगा 0। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ 4 पुट करेंगे तो आएगा आपका 24 माइनस का 8 मतलब कि 18, और 18 इंटू में माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 96, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4। जब आप एट x इज इक्वल टू 12 करेंगे तो उस पर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब उस पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो आप एट x इज इक्वल टू 4 पे क्या हो गया, हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो गया। तो जो साइड है स्क्वायर की, जो इस वाले स्क्वायर की साइड है, वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, सो डेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4, साइड ऑफ स्क्वायर टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया, इसके तीनों पार्ट हो गए, ठीक है जी।